कितनी बेवकूफ हूं मैं हमेशा यही करती हूँ। मैंने आखिर ये रूट लिया ही क्यों? मैं लेट हो जाऊंगी। ओहो, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। पैदल चलकर जाना होगा ना, उससे भी फायदा नहीं होने वाला। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं इतने सारे लोग जा कहाँ रहे हैं, कितना ट्रैफिक है। ओहो, पता नहीं अब कितनी देर ऐसे बैठे रहना होगा। जरा शक्ल तो देखो अपनी, कितनी मुरझा गई हो, स्किन में कितनी झुर्रियां पड़ गई, कितनी थकी हुई लग रही हूँ यार मैं। मुझे कहीं घूमने चले जाना चाहिए, छुट्टियां मनानी चाहिए। ओह माय गॉड, इस नौजवान को भी अभी आना था। प्लीज मुझे इस हाल में मत देखना। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या हुआ अगर वो मुझे देख लेगा तो? मेरा उससे क्या मतलब है? मैं जो हूँ वो हूँ। मैं जानती हूँ मैं चाहकर भी इससे दूर नहीं। मैंने कितनी कोशिशें की, क्या क्या नहीं किया। मुझे लगता है मुझे शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए। मैं धरती पर बोझ हूँ, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करता और हमेशा खाने के बारे में सोचता हूँ। पता नहीं कितनी रातें यूं ही बिना सोए बीतेंगी मेरी, मेरा क्या होगा। कितना उदासी भरा है आज का दिन। मेरा तो कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं आज ऑफिस में क्या होगा, शायद सब कुछ ठीक हो, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। चलो देखते हैं। कितनी खूबसूरत सुबह है ये, ऐसी हल्की धूप कितनी प्यारी लगती है। बॉस स्कॉट, अगले वीकेंड हम दोनों एक साथ होंगे, कितना मजा आएगा। ये लोग इतनी भाग दौड़ में आखिर इतने खुश कैसे रह सकते हैं यार। हेलो, हे स्कॉट, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हे, आपका ये गिर गया। मैं बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी पुरानी और नकारात्मक सोच को निकाल फेंकूं। जिस शक्ति ने मुझे बनाया है उसी ने मुझे नया जीवन जीने की शक्ति भी दी है। मैं सकारात्मक और सच होने वाले विचार अपनाऊंगी। मैं एक नई शुरुआत करूंगी, यहीं अभी इसी वक्त से। हम एक सफर से जूझ रहे हैं, हम यकीन करें या ना करें। हम एक ऐसे सफर में हैं जिसमें हम अपनी पूरी काबिलियत को इस दुनिया में जाहिर करना सीख रहे हैं। हम में से कईयों ने यह सीख लिया है कि हमारी सोच उस बाहरी दुनिया का ही प्रतिरूप है, उसका प्रतिरूप जो हमारे साथ हो रहा है। पर क्या हो अगर ये दुनिया ऐसे काम ना करती हो तो? क्या हो अगर जो भी सोच आप अपने दिमाग में लाते हों उससे आप अपना वर्तमान और भविष्य तय कर रहे हों? क्या हो अगर आप अपनी आने वाली जिंदगी की कहानी उस सोच से लिख रहे हों जो आप अभी सोच रहे हैं? तो हो सकता है अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएं, तो कई शानदार उम्मीदें हमारे सामने खुद ब खुद दिखने लगेंगी और हमारी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर मुड़ जाएगी। और ये सब तब शुरू होगा जब आप अपना पहला कदम उठाएंगे। हमारी हर सोच जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे हमारा आने वाला कल तय होता है। ये ऐसे होता है कि हमारे विचार बाहर निकलकर ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर हमारे पास एक तजुर्बे के तौर पर लौट कर आते हैं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, आप वो चाहें या ना चाहें। एक विचार जो हम सोचते हैं वो स्थिर नहीं रहता, इसलिए उसे अपनाना भी उतना आसान है। तो जब आप ये दिल से फैसला कर लेते हैं खुद को बदलने के लिए, जिसे आप कहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव होना,
आप अपनी सोच के बिंदु को बदल रहे हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर और क्या चाहिए। अगर आप वो एक छोटी सी चीज कर लें तो आप अपनी सीमाएं खोल देते हैं, अपनी सोच की सीमाएं, और नई सकारात्मक सोच आपके दिमाग में आने लगती है, तो वो आपको जिंदगी के असली पहलुओं से रूबरू कराने लगती है। हम अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करेंगे अगर हम जिंदगी को अलग अलग भागों में बांट दें और अपनी जिंदगी से चुनें। हम क्या पसंद करेंगे, कौन सा पल, कौन सा दिन, अपने संबंध में, अपने व्यक्तित्व में, अपने करियर में, अपनी फैमिली के साथ मिलकर। जरा सोचिए अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। हम हर वक्त सेलफोन पर बिजी रहते हैं, हम किसी को मैसेज भेजते हैं, कंप्यूटर के सामने रहते हैं, इंटरनेट के जरिए जुड़े रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, लेकिन हम हर वक्त अपने से बाहर ही क्यों देखते हैं। हम लोग जरा भी अपने अंदर की ताकत को नहीं भांपते क्योंकि हम हमेशा बाहर से ही मदद की उम्मीद करते हैं, जबकि वो ताकत हमारे अंदर ही मौजूद है। ये सब निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे समझते हैं। ये शुरू होता है अलग सोचने से, और मुमकिन है कि आपको अपने सपने और अपनी चाहत पूरी करने के लिए सबका साथ मिले हर मोड़ पर अपनी खुद की शक्ति के साथ। आपकी इच्छा अपने आप को ऐसा इंसान बनाने की होती है जो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पाले, जैसे संबंधों की कामना करे वो पाले। अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां कभी कोई कमी महसूस ना हो, तो आपको बस वो तरीका अपनाना है अपनी जिंदगी में उस चीज के महत्व को समझने की चाहत के साथ। मैंने सबसे पहले ये काम किया था, मतलब अपनी दुनिया को दूसरे तरीके से देखना। मिसाल के तौर पर लुईस लेहे की बुक को लीजिए, उनकी किताब का शुरू से ही मुझ पर बहुत असर पड़ा था। जब मुझे सबसे पहले पता चला वाओ, जो मैं सोच रही थी वो वाकई कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी पर असर डाल रहा है। हम ये अब जानते हैं कि हम अपने दिमाग में अपनी सोच और अपने विचारों का एक अलग पैटर्न बना सकते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद पैटर्न को बदल देता है और अलग तरह से चमकता है। तो अब वो सिर्फ फूला हुआ मुलायम गुलाबी रंग का नहीं है, अब उसमें बायोकेमिकल, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोफार्माकेमिकल का असर है जो उतने ही असरदार हैं, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा असरदार हैं जो हमारे दिमाग में पहले से होता है। तो लुईस हे भूतपूर्व मॉडल, भूतपूर्व थेरेपिस्ट ने ऐसी चीज खोज निकाली अपने अनुभव से जिसकी विज्ञान ने पुष्टि दशकों बाद की। यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी जिंदगी को संवार नहीं सकता। मैं हमेशा यह करती रही हूँ, पर मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कैसे अपनी समझने की शक्ति बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि जितना मैं समझूंगी कि ये जिंदगी कैसे काम करती है, हमारी सोच कैसे काम करती है, मेरी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। मैंने अभी अभी अपने 80वें दशक में कदम रखा है और मेरे साथ कोई ना कोई खूबसूरत वाकया होता ही रहता है, और मैंने ये फैसला किया है कि ये दशक, आने वाला ये दशक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दशक होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी जब तक मैं 18 महीने की थी। फिर अचानक न जाने क्या हो गया, मेरे माँ बाप का तलाक हो गया और मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया, और फिर बाद में मैं अपनी माँ के पास वापस आ गई। जब मैं 5 साल की थी उन्होंने उस वक्त दूसरी शादी की और उनकी ये शादी बिल्कुल ही गलत साबित हुई। उस वक्त ये बात महसूस नहीं हुई, फिर अगले 10 साल मेरी जिंदगी के बड़े ही कठिनाइयों भरे साल बीते जिनमें शारीरिक उत्पीड़नाएं तो थी ही, साथ ही यौन उत्पीड़ना भी थी। मैं ऐसी फैमिली में पली बड़ी हुई जहां अक्सर यही बातें होती थी कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम बेकार हो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा। और जब आपको भी यकीन होने लगता है तो आपकी जिंदगी में यही सब कुछ होने लगता है। मेरे साथ एक बार मेरे पड़ोसी ने बलात्कार किया जो हमारे पड़ोस में 16 सालों से रह रहा था। एक और पड़ोसी था जो मेरे पीछे पड़ा रहता था। ये तब हुआ जब मैं बहुत छोटी थी, और फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मेरे सौतेले बाप ने मुझे मारना छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे साथ शारीरिक संबंध रखना चाहता था, और वो कुछ ऐसा था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया 15 साल की उम्र में। मैं कुछ नहीं जानती थी कि समाज में कैसे रहा जाता है, नहीं जानती थी मैं, पर मैं घर से भाग चुकी थी। मैं प्यार की भूखी थी और जो भी मुझसे प्यार से बात करता मैं उससे संबंध बना लेती, और इसलिए मैं 1 साल में ही माँ बन गई। मैं उस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती थी क्योंकि अपना ही ख्याल रखना नहीं आता था, पर मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा घर ढूंढ लिया।
एक जोड़ा था जिन्हें बच्चा चाहिए था पर उनको हो नहीं रहा था, तो मैंने अपना बच्चा उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों बाद वहाँ उनसे दूर चली गई और मैंने उसके बारे में सोचा तक नहीं फिर। और फिर उसी रोज़ मैं अपने घर वापस गई और अपनी माँ से कहा मैंने कि आपको अब और सहने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर मैं और मेरी माँ वहाँ से चले गए। उसके बाद हम तकरीबन एक साल साथ रहे। फिर मैंने अपने आप में सोचा कि अब ये ठीक हैं, इन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं, खुश हैं। फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं वहाँ से शिकागो गई 3 हफ्तों के लिए, पर 5 साल बाद लौटी। और फिर मैं न्यूयॉर्क गई 3 हफ्तों के लिए, वहाँ 30 साल रही और अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ावों से जूझती, अपने हिसाब से बेहतर करती जितनी मुझ में समझ और अक्ल थी, जो दरअसल थी ही नहीं। मैं जनरल स्टोर में काम करने लगी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। और जब जब मैं न्यूयॉर्क गई तो ज़िंदगी थोड़ी बदल सी गई। मैं एक मॉडल बन गई, एक शो मॉडल। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए ये एक बेहतर व्यवसाय था मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पढ़ाई लिखाई वाली नौकरी नहीं कर सकती थी। मैंने कई सालों तक मॉडलिंग की। फिर मैंने एक हाई क्लास इंग्लिश मैन से शादी की, जो काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा। और मैंने तब तक मॉडलिंग छोड़ दी थी। मैं तो कहूँगी हमारे साथ बिताए गए वो 18 साल वाकई अनमोल थे। मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो एक तरह से मेरा समाज में रहने की ट्रेनिंग वाला पीरियड था, क्योंकि वो मुझे ज़रा भी नहीं आता था। और पार्टीज़ करते करते मैं ये सब कुछ सीख गई थी। पर जब मेरा उससे तलाक हुआ, मुझे वैसा ही लगा जैसा कई औरतों को ऐसे मौके पर लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया, अब कुछ ठीक नहीं होगा, ज़िंदगी दोबारा वैसी ही हो गई। और इसके पूरे 5 साल बाद की बात है जब मुझे ये ग्रुप मिला जिसका नाम था चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस, जहाँ मैंने सुना था अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। और वहीं से मेरी ज़िंदगी सही मायनों में बदलनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ सभी प्रवक्ता हैं जो सभी आपसे एक ही बात कहेंगे सचमुच, पर हम यहाँ उसे कुछ अलग तरीके से कहना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ हर कोई उसे अलग तरीके से ही सुने। जैसे मैंने कुछ कहा तो आप में से किसी को समझ आएगा और कोई कहेगा भाई ये क्या कह रही है, कोई अलग शख्स कुछ और कहेगा, 4-5 लोग कुछ और कहेंगे, 8-10 कुछ और कहेंगे, मगर अलग तरीके से समझेंगे। और आप लोग कहेंगे अरे भाई क्या बात है, क्या कमाल कहा इसने। मैं भी वैसे ही जी रही थी जैसे कई लोग जीते हैं, एक दूसरे ही दुनिया में। पर मैं समझती थी मैं यहीं पर हूँ, जिंदगी में बह रही थी और अक्सर यही समझती थी कि जिंदगी जैसी चल रही है बिल्कुल ठीक ही चल रही है। दरअसल मैं अपनी जिंदगी का शिकार खुद ही बन गई थी। वाकई में अपनी जिंदगी बहुत ठंडे तरीके से जी रही थी। दरअसल मेरी जिंदगी के कुछ मायने ही नहीं थे और ये मैं जानती थी कि कुछ कमी है। हमारा टैक्स का बिजनेस था। मैंने काफी कम उम्र से ही डैडी के साथ काम करना शुरू कर दिया था, तब मेरी उम्र 16 साल की रही होगी। उनका बिजनेस तब घर में था, फिर हम लोग बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और मैं 25 साल से कम साल की थी जब हमारा बिजनेस खाक हो गया। एक सुबह मुझे एक कॉल आया, वो मेरी मम्मी ने कॉल किया था और उन्होंने बताया कि ऑफिस के बिल्डिंग में आग लग गई है। जब मैं वहाँ गई तो फायर ब्रिगेड थे, पुलिस थी और न्यूज़ रिपोर्टर्स की भीड़ जुटी हुई थी। जो भी चीज़ें मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी वो मेरे ऑफिस में थी। मेरा एक शानदार फ्रंट ऑफिस था जिसमें कांच लगा था और मैं उसमें से बाहर झांकती थी। जब मैं 12 साल की थी तब मुझे बोस्टन लाया गया क्योंकि मुझे तकलीफ थी, मेरी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से खराब थी। और मुझे याद है मैं उन डॉक्टर्स को देखकर सोच रही थी कि मैं भी एक दिन डॉक्टर या साइंटिस्ट बनूंगी। तो मैंने प्रीमेड पास कर लिया छोटी ही उम्र में, तो उस दौरान मैं तकरीबन 17 घंटे एक दिन में सोने लगी। उन्होंने मुझे दवाई दी और दवाई के असर से मुझे सर दर्द रहने लगा, फिर उसके लिए और दवाई दी। इसलिए मुझे कुछ और करके अपना दिल बहलाना था। मैं वही बॉस्टन में एक बुक स्टोर में गई, मैंने शेल्फ में देखा और वहाँ एक किताब थी यू कैन हील योर लाइफ, जो लुईस एल हे ने लिखी थी। और जानते हैं वो क्या कहते हैं, सकारात्मकता मेरे अंदर आने लगी। मैंने सोचा वाकई आई कैन हील माई लाइफ, जो सच्चाई थी। मैंने रिपीटेशन करना शुरू किया जैसे कि आप जिम में करते हैं, पर डंबल्स की जगह कुछ उठाती नहीं थी। मैं खुद से वैसे ही प्यार करने लगी जैसे कि मैं थी 10 बार। और 3 महीनों के बाद मेरी सोनी की बीमारी खत्म हो गई और मैं मेडिकल स्कूल में फिर से जाने लगी, जो बेहद ही सुखद था। मुझे एक जमाने में खतरनाक माइग्रेन रहता था, महीने में 1 बार कभी 2 बार में बॉस्टन के हॉस्पिटल में हफ्ता हफ्ता भर रहकर चेकअप करवाती रहती थी। 19 साल की उम्र में मैं अपना इंग्लिश पेपर लिख रही थी और ज्यादातर माइग्रेन के मरीजों की तरह मुझे ये जानना होता था कि क्या चीज है जो लोग मुझसे चाहते हैं।
और मुझे कुछ पता नहीं चलता था। जब मैं लाइब्रेरी से बाहर आई इस बात से बेखबर कि उस पेपर में मुझे ए कैसे मिलेगा, मैंने उस मौके पर सोचा मुझे खुद को कार के आगे धकेल देना चाहिए, ये ज्यादा आसान होगा। मैं 10 साल की उम्र तक अनाथ आश्रम में था। मेरे घर के हालात कुछ इस तरह के थे कि मेरे पिता घर छोड़कर चले गए थे और मैं बड़े ही तनाव के हालात में पैदा हुआ था। मेरी माँ एक कैंडी शॉप में काम करती थी जो बहुत मेहनत करने के बाद एक हफ्ते में सिर्फ $17 ही कमा पाती थी। मुझे याद है हमारे यहाँ एक लड़की आई थी मार्था, उसे भी उसके घर वालों ने इसी वजह से छोड़ा था जिस वजह से मुझे। मैंने मार्था को देखा और मैं उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। वो रो रही थी, वो दुखी थी, उदास थी और मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं उससे कह रहा था कि ये तो कमाल की जगह है, यहाँ पर मम्मी पापा होते ही नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कर सकती हैं, आजादी से रह सकती हैं, खूब मस्ती कर सकती हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं, आपको बस अपने सोचने का नजरिया बदलना है। ये आपको आपके बुरे हालातों से, कम सुखी पलों से, दुखी जिंदगी में जैसे चमत्कारी बदलाव लाता है, आप जो चाहें कर सकते हैं। उस वक्त जब वो बिल्डिंग जल रही थी तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरे टेबल पर कौन कौन से काम का ढेर लगा हुआ था। मैं तो इसलिए खुश थी कि मेरे डैडी मेरे साथ थे। मैंने तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उस वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था। मैं साथ ही साथ अपने ऑफिस के कुछ सामान को लेकर भी दुखी थी जो मैं खो चुकी थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ लोगों से ज्यादा अपनी कैलकुलेटिंग मशीन से जुड़ी हुई थी क्योंकि दिन भर मैं उसी में काम करती थी। सबसे खास बात जहाँ पर आपकी आत्मा वाकई आपसे जुड़ जाती है और महसूस कराती है। मुझे याद है जब मैं उस आग को देख रही थी जो सब कुछ तहस नहस कर रही थी, दिल के कोने से एक आवाज आती है, ये जो हो रहा है जो किसी वजह से हो रहा है। हो सकता है तुम्हें उस वक्त ये थोड़ा अजीब लगे, खतरनाक लगे, पर इससे वाकई एक अजीब सी चीज निकलेगी जिसे हम देखते रह जाएंगे। तो मैंने अपनी सभी भावनाएं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग उठाकर फेंक दी क्योंकि अब देखा जाए तो सही मायनों में सामान्य महसूस होने लगा था। कुछ साल तो ऐसा ही चला पर अचानक सब कुछ बदल गया। पता नहीं क्यों उस वक्त मैं अपनी PhD कर रही थी, फिर मैं डिस्क वगैरह जाने लगी और इंटेलेक्चुअल चीजों में मेरा मन नहीं लगता था और एक न्यूरोसर्जन को ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने चुनी साइकेट्री क्योंकि मुझे वही करनी थी और वो हो गया। पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये सब होने के बाद मुझमें आध्यात्मिकता पनपने लगी। तो मैं अपने रूम वापस गई और मैंने अपने मॉम डैड को फोन किया। मैंने कहा मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे डैड ने कहा तो छोड़ दो, तुम घर वापस आ जाओ। और मैंने अपना दिमाग बदल दिया और उस मौके पर मेरी सोच ही मेरे काम आई। अब तक शायद सिर्फ 3-4 हुए होंगे मेरी पूरी जिंदगी में, क्योंकि मैंने इस दिमाग का पैटर्न बदल दिया था। मैं ये सोचती थी कि मुझे ये करना है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में यही कोशिश करती रही कि कैसे चीजें सही हों, और सही इस आधार पर कि समाज में और अगर मेरे केस में मेडिकल की दृष्टि में ये सही है। पर ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि जो भी चीजें हमें मेडिकल फील्ड में सिखाई थी जिस वजह से बीमारी होती हैं, वो सच नहीं है। मैंने अपना माइग्रेन हेडक ठीक किया जो वाकई नामुमकिन था बिना दवाइयों के, पर सबसे जरूरी चीज थी मेरी सोच। कुछ लोगों को लगता है कि बदलाव एकदम झटके जैसा होता है, वैसा ही जैसा ठंडे पानी में डुबकी लगाना। पर अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ दें उस ताकत के हवाले, तो आप बिना किसी परेशानी के पार हो जाएंगे। मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मैं हमेशा थकी हुई रहती हूँ, मैं कभी जीत नहीं सकती, मैं खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। आप अपना सफर कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब भी आप चाहें। और हो सकता है आप अपना सफर किसी महल से शुरू कर रहे हों या किसी झोपड़ी से, पर शुरुआत आप कहीं से भी करें, बुद्धिमता और ज्ञान के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और पहला कदम उठाते समय ये सोचना है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जब आपके साथ ऐसा होता है
तो आप महसूस करेंगे कि आपका अपनी जिंदगी पर पहले से ज्यादा काबू है, जो आपको मुश्किल लगता है, और अपने तजुर्बों पर भी काबू पाने की शक्ति मिल जाती है। एक ऐसी भावना आपके अंदर जगती है जो इतनी मीठी होती है, इतनी रस भरी होती है कि आप अपनी सोच का तरीका ही बदल देते हैं। जिंदगी ऐसी चीज है जो चुटकी बजाते ही बदल सकती है। हर चीज जो आपके साथ है अचानक वहां से गायब हो सकती है, और जब आपकी जिंदगी में ऐसे मौके आए तो अचानक उस पल आपको महसूस होता है कि क्या चीजें हैं जो जिंदगी में आपके लिए मायने रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहां हम उस परेशानी का सामना करते हैं, उसे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी हर मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। इसी तरह आप जिंदगी को उस बहाव में ले जा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ओके, मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती हूँ। मैं डर रही हूँ पर मैं बदलना चाहती हूँ। वाकई मैंने फैसला कर लिया है, मैं कोशिश करूंगी, करती रहूंगी ना, मैं अपनी सोच सकारात्मक रखूंगी, नकारात्मक नहीं। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं ओह ये इतना आसान नहीं होगा। ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, पर आपके शब्द आप जो महसूस करते हैं वो बताते हैं, और आप जो महसूस करते हैं वो उसका नतीजा है जो तरंगे आपसे निकलती हैं, और तरंगे जो आपसे निकलती है वो आपके खिंचाव बिंदु के समान है। तो उस बात पर ध्यान देना जो आप कह रहे हैं, ये समझने के लिए काफी मददगार साबित होगा कि आपका खिंचाव बिंदु आखिर है क्या। ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात है, और ये मेरे ख्याल से पहली बातचीत होगी जो हमारे बीच हुई, और वो बहुत जल्दी में था। कोई इतनी जल्दी नहीं करता जितनी वो। हर चीज सही जगह सही वक्त पर सब कुछ सही होना चाहिए, ऐसा इंसान था वो। मैंने कहा उससे, चलो लुईस ऐसा करते हैं, दो चिड़ियों को मारते हैं। उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा और कहा, तुम चिड़ियों को मारना क्यों चाहते हो? वो बात मेरे दिल को लग गई, और हर कोई इस बात को गंभीरता से लेने लगा। उस पल से ही मैं थोड़ा ध्यान देने लगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ऐसा कहना छोड़ दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, या उस इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर मैं मजबूर हूँ। अगर आप इस सच को वाकई अपना लें कि जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, हर बार जब आप कुछ बोलते हैं, आप सचमुच में अपने भविष्य का चित्र बना रहे होते हैं। आप उसे कुछ भी कहें पर आप वो बना रहे हैं, आप अपने खुद की जिंदगी बना रहे हैं। पॉजिटिव सोच रखने का सबसे बड़ा इनाम जो मुझे मिला है इतने सालों में, इसकी वजह से मैंने वो चीज़ें जिंदगी में महसूस की है जो मैंने पहले नहीं की थी। ऐसी स्थिति में जीना सीखा जहाँ मुझे यकीन होता है कि वो चीज़ें मुझे मिलेगी जिनकी मुझे ज़रूरत है। एक ऐसी स्थिति में जीना जहाँ मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। और इतने सालों से पॉजिटिव सोच रखने की वजह से मुझे ये पता चल पाया है कि अब मैं ज़िंदगी को एक एनर्जेटिक फोर्स के तौर पर ले पा रही हूँ। मैं उस एनर्जेटिक स्टेट में जीती हूँ जो पॉजिटिव सोच की वजह से बने हैं, ना कि इस दुनिया की वजह से। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक काम करना है, और वो है सकारात्मक सोचना। वो आपकी जिंदगी को एक सही दिशा देता है, और वो आप जानबूझकर करते हैं। वो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, और जैसे ही आपने करना शुरू किया चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है बहुत छोटे स्तर से बदलें, जैसे कि कह सकते हैं कि पार्किंग प्लेस के लिए ग्रीन सिग्नल दिखना। सकारात्मक सोच आपको ऐसे आयाम में ले जाते हैं जहां आप अपनी चोट को भरने का मरहम खुद जानते हैं। आप अपने गुरु को पहचानते हैं, वो आपको चाहिए, आपको किस आधार पर चलना है जो आपके लिए सही है। सकारात्मक सोचने में या तो आप पहले लिख सकते हैं कहीं भी दीवार पर या शीशे पर, या फिर कहना शुरू कीजिए, मेरा शरीर अब मजबूत स्थिति में है जैसा वो पहले हुआ करता था। मैं स्वस्थ, मैं हूँ नीडर, रहता चारों पहर, खेल में मेरा कहर, जिंदगी में है बीवी का साथ, पैसा भी नहीं छोड़ता ऐसा। मेरी इनकम तो अब वाकई में बढ़ती जा रही है। मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं असीम हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं असीम हूँ। मैं वो करती हूँ जो चाहती हूँ, मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जिन्हें पसंद करती हूँ, और मैं अच्छे खासे पैसे बना रही हूँ।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी खास काम को अंजाम देना है, पर ऐसा करने से आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगेंगी। मैं जिंदगी जिंदा दिली से जीतती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अब ठीक हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं तकरीबन 300 से 400 बार रोज खुद को कैंसर के डर से उबारने के लिए बात कहती हूँ। और मेरा मानना है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी बात पर यकीन भी होना चाहिए। पॉजिटिव सोच आपका एक शुरुआती बिंदु है, जहाँ पर आप तय करते हैं ठीक है ये मेरा सपना है। उच्च सोच को ताकतवर जो चीज बनाती है वो हमारी भावना है जो उससे जुड़ी हुई है। इसमें खास बात यह है कि आप अपना सफर शुरू करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से शुरू करती हूँ, पहला कदम ये मेरा पॉजिटिव सोच होगा, दूसरा कदम ये होगा कि मैं कैसे अपनी भावनाओं को उस सोच के अनुसार ढाल सकती हूँ। और ऐसा अक्सर तब होता है जब हम काम भी अपनी पॉजिटिव सोच के मुताबिक करें और उस स्थिति तक पहुँचे। और जब आप उस स्थिति तक पहुँचते हैं उस वक्त आप अपने सारे पॉजिटिव ताकत को उसमें लगा देते हैं और अपनी जिंदगी को उसके साथ जोड़ देते हैं, सब कुछ साफ नजर आता है। ये बात आपके अंदर घर कर जानी चाहिए, ना सिर्फ आपके दिमाग पर बल्कि आपकी आत्मा पर भी, और आपको उस पर यकीन करना होगा। और जब इसे पहली बार करते हैं तो आपको लगता है जैसे ये ढोंग है, थोड़ा बनावटी लगता है, पर कुछ समय बाद आप कहते हैं कि हाँ ये तो चाहिए, ये सही है। हाँ मैं तो लोगों से कहती हूँ कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और उसके बाद अपनी आंखों में देखिए। अपनी आंखों में देखने से खूबसूरत एहसास कोई नहीं है। और खुद को अपनाना और ये देखना कि कैसे आप अपने आप को नकार सकते हैं जब आप अपने बारे में कुछ अच्छा भी बोल सकते हैं। तो मैं ऑफिस जा रही थी जब मैंने पहली बार लुईस की बात महसूस की। वो कहती है नहीं, आपको 20,000 बार एक दिन में कहना पड़े, और जब भी मन में आपके नकारात्मक विचार आए तो उस विचार को अपने सकारात्मक सोच से बदल लें। जब मैंने ये किया तो मुझे महसूस हुआ मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची, मुझे लगा मैं अब तक अंधकार में थी। ये ऐसा है जैसे आप जमीन में बीज बोते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये उसी समय सच हो, पर हम ये जानते हैं ये बात होगी तो आप वो बीज बोते हैं और उम्मीद करते हैं कि पौधा निकले। आप ऐसा नहीं करते कि दो दिन बाद ही मिट्टी खोद कर देखें क्या हुआ, पौधा निकला कि नहीं निकला। आप इंतजार करते हैं पौधे के निकलने का, क्योंकि आप जानते हैं ये एक प्रक्रिया है। वो बीज जरूर पौधा बनेगा अगर सही मिट्टी में बोया गया है और उसे सही खुराक मिली है तो। अक्सर लोग इस बात को ठीक से समझने में कई तरीके अपनाते हैं। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि वो अपनी जिंदगी में अच्छे संबंध चाहते हैं, जिंदगी में समृद्धता चाहते हैं, और वो ये बात हवा में ही कहते हैं, और उसी वक्त वो लोग अपनी बात जाहिर कर देते हैं और चाहते हैं कि ये उनके साथ जल्द से जल्द हो जाए। कुछ सालों में भी उनके साथ ये बात सच नहीं होती, तो वो नहीं होती क्योंकि ये आयाम अनिश्चित, अलौकिक आयाम और वाकई बहुत ही असीम है। तो जब आप कहते हैं मैं चाहता हूँ ये बात मेरी जिंदगी में सच हो, तो वो आयाम कहता है ठीक है, वो बात वाकई सच होगी, होगी, जरूर होगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ये असीम है, अनंत है, अपार है। ये एक कंप्यूटर की तरह है। मान लीजिए आपके सामने एक हाईफाई कंप्यूटर रखा है और आपको उसे चलाना ही नहीं आता तो वो आपके किसी काम का ही नहीं, पर अगर आपको उसे चलाना आता है, भाषा आती है, तो आप चमत्कार कर सकते हैं। जब मैंने नौकरी छोड़ी तब ये बात तकरीबन शुरुआती 90 दशक की होगी, तब मैं नॉर्दर्न मैक्सिको के हाई डेजर्ट में था। मैं वहीं रहता था, दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। उसी दौरान वहाँ साउथ वेस्ट अमेरिका के रेगिस्तान में इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, ग्रेग क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे एक ऐसी जगह। मुझे काफ़ी पसंद आया जो उसने कहा, एक ऐसी जगह जहाँ दोनों दुनिया का मेल होता है, वो भी बारिश को लाने के लिए। और उसे मुझे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा क्यों नहीं, और हम तयशुदा जगह पर मिले। हमारे सामने था 35,000 एकड़ का बड़ा भारी फैला हुआ रेगिस्तान, जिसे पार करके हम पहुंचे एक पत्थर से बने गोले के पास, जो वहां बहुत पहले से था। वो भी नहीं जानता था कि कब से वो पत्थर उससे पहले किसने वहां रखे थे। और जो मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था कि मेरे दोस्त डेविड ने वहां जाकर अपने जूते निकाल दिए। उसने नंगे पैरों से उस गोले में कदम रखा, उसने अपनी आंखें बंद की, और सबसे पहली चीज जो उसने की वो ये था कि अपने पूर्वजों को याद किया। उसने जोर से कहा, ए मेरे सभी पूर्वजों, पितरों, मुझे आपका साथ चाहिए। फिर 20 सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे अब कुछ खाने के लिए चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर मैंने कहा तुम तो यहाँ बारिश मांगने आए थे। फिर उसने जवाब दिया और कहा, नहीं, अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम ये सिद्ध कर देते हैं कि वो चीज वहां नहीं है, और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मैंने कहा, अगर उन 20 सेकंड्स में तुम बारिश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे?
तो उसने कहा जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैं महसूस कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि मैं नंगे पैर कीचड़ में खड़ा हूँ अपने गांव में, वहां कीचड़ हो रहा है क्योंकि वहां बहुत बरसात हुई है। और उसने ये भी कहा कि मैं खुशबू ले रहा था भीनी मिट्टी की, वो खुशबू जो हमारे गांव में तेज बरसात होने से हवा में फैली है। और मैंने वह महसूस किया कि मुझे कैसा महसूस होगा जब मैं इतने बड़े बड़े मक्के के खेतों से दौड़ूंगा, उन बड़े बड़े मक्के के खेतों से जो बारिश की वजह से हरे भरे हैं। मैंने अपनी खुशी जाहिर की और धन्यवाद कहा उस बारिश को जो हो चुकी थी। जब आप अपनी पॉजिटिव सोच को बोलते हैं पहली बार, ऐसा करने से हो सकता है आप उससे जुड़ ना पाए, पर वक्त के साथ जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसे अपनाने लगते हैं। और बेशक ऐसे कई लोग हैं जो अपनी सोच को बोलते हैं पर उसे वापस नहीं लौटा पाते हैं जैसा वो बोलते हैं, क्योंकि वो शब्दों को ही अपनी आत्मा की आवाज़ समझ बैठते हैं। पर ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, वो आपके तरंगों का उत्तर देता है। और जहां तक मैं समझ पाई हूँ, आपकी भावना ही आपकी तरंगों को तय करती है। सकारात्मक सोच और फैल जाती है जब आप इन्हें अपने सपनों के दौरान करें, क्योंकि उस वक्त मेरा मानना है आपका अहम सो रहा होता है, तर्कसंगत दिमाग आराम कर रहा होता है, इसीलिए उस वक्त आपके पास एक खास मौका होता है अपने भविष्य को तय करने का, अपने दिमाग को प्रोग्राम करने का इन सकारात्मक सोच से। हमारे सपने हमारा द्वंद दूर करते हैं, हमारी चेतना और अचेतना के बीच, और वो हमारे मूड को भी नियंत्रित करते हैं। पर जरा सोचिए, जब हम सोने जाएं इस विश्वास के साथ कि सब हमेशा ठीक रहेंगे, हम सुरक्षित हैं और हर चीज सही वक्त पर होगी जब उसे वाकई होना चाहिए। और मुझे लगता है आप लोग भी सोचें तो आपके लिए मददगार साबित होगा। ये सोचिए कि जिस दशक में आप अभी इस वक्त हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दशक होने वाला है। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। अचानक मैं इस आइडिया से इतनी प्रभावित हुई कि अगर मैं अपनी सोच बदल सकती हूँ तो अपनी जिंदगी भी बदल सकती हूँ, इसलिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने बहुत सी क्लासेस ली, बहुत सी किताबें पढ़ी सभी प्रकार की, ताकि मैं इसे समझ पाऊँ ये काम कैसे करता है। और फिर 3 साल बाद मैं चर्च में, जिसे कहते हैं लाइसेंस प्रैक्टिशनर, वो बनने के योग्य हो गई, जिससे मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों से आमने सामने बातचीत कर सकूँ। और यही वो वक्त था जब ये बदलाव वाकई शुरू होने लगा था, क्योंकि तब मैंने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया था कि ये कैसे काम करता है और कैसे वो अपनी सोच बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लोग मेरे साथ काम करके अच्छे परिणाम पा रहे थे, फिर मैंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी और उसका परिणाम तो और भी बेहतर निकला। फिर मैंने तकरीबन 350 लोगों को लेकर वीकेंड वर्कशॉप शुरू की। एक खास बात जो मैं लोगों में परखने लगी थी कि वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और उनके शरीर में क्या गलत बात है। फिर मैंने सब चीज़ों को इकट्ठा किया और अपने दिमाग को पूरी तरह से तैयार किया वो सुनने के लिए जो लोगों ने कहा था। मैंने उन सब की एक सूची बनाई अपने तरीके से और लोगों की राय से, उसे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा था ताकि लोग अपनी मुसीबत बताएं तो मैं उसके बारे में बता सकूं। मैंने ये क्लास में अपनी एक फ्रेंड को दिखाया तो वो बोली, हो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्यों ना तुम इससे एक किताब तैयार करो। मैंने कहा, ओ वाकई एक किताब। तो मेरी पहली किताब आई थी 1976 में, जिसका नाम था हील योर बॉडी। वो थी शरीर में होने वाली तकलीफों की दिमागी वजह उसके बारे में और उन्हें कैसे सही किया जा सकता है उसके बारे में। मुझे पूरा यकीन था कि बड़े बड़े पब्लिशर्स मेरी किताब को छापने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले, और अगर दिखाएंगे भी तो वो ज़रूर उसमें कुछ चेंज लाना चाहेंगे, क्योंकि मेरा आइडिया उस दौर के लिए बहुत ही स्वच्छंद था कि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और मैं ये बात उसी तरह लोगों से कहना चाहती थी जैसा मैं कह रही हूँ, एक शब्द भी इधर उधर नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या कर रही थी। इसलिए मैंने वो किताब खुद प्रिंट की, मैंने चर्च के प्रिंटर से ये प्रिंट करवाई क्योंकि मुझे पता नहीं था और कहाँ जाना चाहिए, और ये किताब 12 पन्नों को जोड़कर बनी थी। और मुझे याद है जब मैं इसे पहली बार अपने टीचर के पास ले गई, दिखाया उन्हें, तो उन्होंने कहा, ओ लुइस ये तो बहुत अच्छी किताब तुमने छापी है, अच्छा काम किया, कितनी कॉपीज छापी, 200?
मैंने जवाब दिया, नहीं 5,000। उन्होंने कहा, दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम कभी नहीं बेच पाओगी। पर 2 साल बाद मैंने कर दिखाया, सारी बेच दी। मैंने कई कॉपीज अपने इलाके के चर्चेज में बांटी जहां मैं जाया करती थी, और मैंने ऑर्डर फॉर्म भी भेजे साथ, और कईयों ने वो ऑर्डर्स भी दिए। तो इस तरह ये थी मेरी पहली किताब। जब मैंने वो किताब देखी तो मुझे नहीं लगा वो मुझ पर काम करेगी, पर जब मैं घर आई और फैसला किया कि उसे अपनाऊंगी, उस वक्त मेरा फाइबर मयोन्जा का इलाज चल रहा था। मैं हमेशा थकी रहती थी, मेरा खुद का बिजनेस था, पर मेरी एनर्जी इतनी कम रहती थी कि मैं हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे ही काम कर पाती थी, और मैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, ना ही अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। फिर मैंने उसमें लिखी सकारात्मक बातों पर ध्यान दिया। मेरे शरीर में अब अपनी पूरी एनर्जी थी जितनी उसमें होनी चाहिए। मैं ये फर्क सिर्फ एक ही हफ्ते में महसूस करने लगी थी। मैं हमेशा ये कहती थी, और मैं वो आईने वाली प्रक्रिया करने लगी। मैं आईने के सामने जाती थी, शब्द मेरे गले में अटकते थे, पर फिर भी मैं आईने में देखकर खुद से कहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जैकी, तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। क्या बात है, अब मैं जा सकती हूँ, मुझे रास्ता मिल गया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। जब सांस लेती हूँ तो हवा का एहसास होता है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ, और शायद यही सब चीजें, यही चीजें मुझे चाहिए थी। मैं ठोकरों से नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ मैं सही रास्ते पर जो हूँ। जब भी हम पर निराशा छाती है तो उसमें हास्य हमेशा होता है। हास्य हमें ऊपर वाले के नजदीक ले जाता है, वो हर स्थिति को खुशनुमा बना देता है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने से पहले वो वक्त आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे कोई दर्दनाक खुशी या खुशनुमा दर्द, जहां आप शायद टूट जाएं और फूट फूट कर रोने लगे। जब कोई मुसीबत में होता है तो मैं उनके बारे में सोचती हूँ, ठीक वैसे जैसे कोई फिल्म देखकर निकल रहा हो, जैसे कोई डरावनी फिल्म। उनके आंसू असली हैं, उनका डर असली है, पर जो उन्होंने देखा, जो वजह है उनके रोने की, वो असली नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हें कुछ सुझाव देती हूँ उस स्थिति को समझने के लिए जो उन्हें वाकई मदद करते हैं। आप अपनी जिंदगी में कई प्रकार की चुनौतियां झेलते हैं, सब झेलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप उन चुनौतियों को कैसे संभालते हैं वो मायने रखता है। अब मुझे पता चल गया है कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ है वो दरअसल मेरे लिए सही था, और अगर अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो तो मैं बस इंतजार करती हूँ कि वक्त जो भी तय करेगा अच्छा करेगा। वो तरीका जिससे आप अपने आप में बदलाव लाते हैं, यानी डर को उत्सुकता में बदलना। हाँ, अपने डर को उत्सुकता में बदलने की कोशिश कीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने आप को जाहिर करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही संवेदनशील चीजें होती है, क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं वो तमाम उम्र वैसी ही चीजें होती है, और वो सभी हमारी खुद की आत्मा के लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए ये संवेदनशील होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम उन लोगों पर भड़क जाते हैं जो उसे तोड़ना चाहते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि ये बातें सच नहीं होगी, ये पॉजिटिव सोच से कुछ नहीं होगा, ये पागलपन है। वहाँ पर आप उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहते हैं, आप उन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपका हाथ पकड़ कर कहे कि हम तुम्हारे सफर में साथ देंगे। बदलाव का पहला कदम है जागरूकता। जब आप सफर में चुनौतियों का सामना करते हैं तो पीछे मुड़ना काफी आसान होता है, और किसी को उसका दोष देना और भी आसान। पर बदलाव के लिए कोई भी बाहरी चुनौती को आपके बदलाव में आपके अंदर की बाधा का प्रतिबिंब देखना होता है। मैं जानती हूँ जब लोगों को पता चलेगा तो वो सोचेंगे मैं पागल हो गई हूँ, मुझे पता है, पर मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी, मैं मस्त रहूंगी जैसा हमेशा से मैं करती आई हूँ। 15वीं और 16वीं शताब्दी से पहले सभी जहाज सिर्फ लकड़ियों से ही बनाए जाते थे, इसलिए नहीं क्योंकि तब लोहा मौजूद नहीं था या स्टील नहीं होता था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये धारणा थी कि लकड़ी तैरती है, तो इसलिए हमें जहाज भी उसी चीज से बनाने होंगे जो तैरती है। फिर किसी को पता चला और उसने सबको बताया कि ये मायने नहीं रखता कि जहाज किससे बना है, वो तैरता इस वजह से है कि वो पानी कितना दूर हटाता है पानी में उतरने के बाद। और इसी बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि जो आप चाहते हैं और उसके बारे में जो आप मानते हैं वो आपने ही बनाया है उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कभी सामने नहीं आता अगर लोग डूबने की धारणा पर चलते। मैं अलग हूँ,
मैं उन लोगों की तरह नहीं जो सपनों में यकीन रखें, करिश्मे का इंतजार करें, जो तीसरी शक्ति को मानते हैं। ये क्या है? ये सच नहीं है। ये तो किसी कलाकार की सोच लगती है। हम अपना जीवन उसी आधार पर जीते हैं जो हम मानते हैं, हमारे बारे में, हमारी दुनिया के बारे में, हमारी क्षमता या सीमा के बारे में। ये मान्यताएं आती कहां से हैं? ज्यादातर तो दूसरे लोगों से जो हमें बताते हैं, इतिहास, विज्ञान, धर्म, परिवार, सभ्यता। पर अगर वो गलत हो तो? हमेशा लोग मुझे बताते रहे कि क्या करना है, पर क्यों? मेरी माँ की बात करूं तो एक बार मैं सोच सकती हूँ, मतलब एक बच्चा किस किस की बातें सुनकर बड़ा हो, उसे भी अपना रास्ता चुनने का हक है। और मेरे पापा कोई वेन डायर नहीं थे, ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ। जो भी शिकायत आप हमेशा हर वक्त करते रहते हैं, मतलब आपके अंदर एक अनजान आकांक्षा है। और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपनी जिंदगी बदल नहीं सकती। उम्र ढल गई है, अब कोई फायदा नहीं। सकारात्मक होना कई सालों पहले क्यों नहीं शुरू किया मैंने? मेरे ख्याल से ये तब शुरू होता है जब आप ये महसूस करते हैं कि आप खुद से प्यार नहीं करते। कई लोग ऐसा समझते हैं, कईयों को लगता है ये ठीक नहीं है, उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया, ना ही कर पाएंगे। वो कभी किसी कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, कोई उन्हें प्यार नहीं करेगा। दरअसल जब हम ऐसे माहौल से आते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है खुद के लिए कुछ अच्छा सोच पाना। चीजें पहले इतनी खराब नहीं लगी थी और अब तो मैं ठीक हूँ, पर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं रास्ता भी देख रही हूँ, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, पर एक उलझन सी क्यों हो रही है मुझे? कम से कम मैं यहाँ चीजें खुद जान सकती हूँ। मैं बॉस नहीं हूँ, पर मुझे पता है चीजें कैसे संभालनी है, और आने वाले भविष्य में जो चीजें काम करेंगी मैं कोशिश करूंगी कि उसे वैसे ही रहने दूं, उन्हें बदलूं ना, क्योंकि अगर मैं नाकामयाब हो गई तो? मुझे वापस चले जाना चाहिए, इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और भी कई काम है करने के लिए। चलो ठीक है, बाद में आऊंगी, मेरे पास जॉब है, काम है, मुझे जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा, हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ आपका काम वो चमत्कार कर सकते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, हम इसे एक दूसरा नाम देते हैं। हम सोचते हैं हम डर गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए, अब यहीं पे हम अटकते हैं। लोग मुझे वाकई पागल समझेंगे, वो सोचेंगे पता नहीं मुझे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई है, हंसेंगे मुझ पर। मुझे घर जाना चाहिए, ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है यहाँ। नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। पर मैं हूँ कहाँ? हम शुरू से ही उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें जिंदगी में नहीं चाहिए और जिनसे हम डरते हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह 6 बजे की न्यूज सुनते हैं, फिर अपना दिन देखते हैं और सोचते हैं, कहते हैं ओ आज मेरे साथ ऐसा ना हो, कहीं वो मुझे ना मिल जाए। जहां से हम ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, बजाय उन चीजों के बारे में सोच के जो हमें चाहिए। अगर आप ये याद कर ले कि कभी भी आपको कुछ उलझन महसूस हो रही हो, बस आप वहीं रुक जाए जहां हैं, और ये कबूल करे कि आपको बस अपने अंदर अच्छी भावनाएं लानी है, ये सुकून का एहसास ही आपकी सभी परेशानियों को झट से दूर कर देगा। मेरा एक क्लाइंट जो दूसरे स्टेट में रहता है, उसने मुझे एक दिन कॉल किया। वो उस दिन बहुत बहुत दुखी था। मैंने उससे पूछा, अपनी रोजमर्रा के काम करते हुए क्या उसने कभी ऐसा महसूस किया है कि वो कुछ करे जो किसी और के लिए बहुत फायदेमंद हो? और उसने इसके बारे में बहुत देर तक सोचा और कहा, एक वृद्ध महिला है जो मेरे अपार्टमेंट के ठीक नीचे रहती है। आज जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि उसके अपार्टमेंट के आगे का एरिया गंदा पड़ा है और वहां सफाई की जरूरत है, तो मैंने कहा ठीक है, उसकी डोरबेल मत बजाना, बस चुपचाप अपना झाड़ू ले जाओ। और मैं उसके साथ फोन पर ही था, मैंने कहा नीचे जाओ झाड़ू लेकर और वो जगह साफ कर दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो वो गया सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, और जब वो लौटा तो वो कोई और ही शख्स था। उसने एक ऐसी चीज को अंजाम मानो दिया था, वो खुद से बाहर आकर दूसरों की मदद करता है, जिससे एक सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, और वो वाकई एक आला इंसान बन चुका था। मैं उसकी आवाज से महसूस कर रहा था, और मेरा मानना है कि ऐसी चीजें आपके जीवन को उस तरह जीने में मदद करती हैं, मदद करती हैं आपकी जिंदगी को दूसरों के लिए मदद करने वाली बनाने में। और ऐसा ही कोई आपके लिए भी सोच सकता है।
मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ उससे मुझे क्या हासिल होगा? मैं हमेशा अच्छी बातें नहीं सोच सकती, ना ही मैं चीजों के बारे में निश्चिंत हो सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, शायद यही मेरी किस्मत है, मैं यहीं बैठी रहूंगी। बहुत कर लिया ये सब, कहो अब क्या करना है मुझे? वैसे मैं ये बात किससे कर रही हूं? मेरा कैंसर का इलाज हुआ है, वो वजाइनल कैंसर था। अगर आप मेरा बचपन देखेंगे, वो सारे बलात्कार, वो बचपन में किए गए शोषण, आप ये महसूस करेंगे कि इसकी एक मानसिक वजह थी, और वो थी मेरे अंदर बसा गहरा गुस्सा जिसने मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। तो बताइए कैंसर क्यों ना होता? मुझे याद है मैं बहुत डर गई थी, शायद सभी डरते, तो मैंने अपने टीचर को फ़ोन किया और कहा, एरिक ये कह रहे हैं मुझे कैंसर है। उन्होंने मुझे कहा कि किसने कहा? मैंने कहा डॉक्टर्स ने। उन्होंने कहा लुइस तुमने आज तक जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम कैंसर से तो नहीं मर सकती, यही वक्त है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का। और मैं उस पर अडिग रही, और वही मेरे लिए जीवन रेखा साबित हुई। मैंने कई ऐसी चीज़ें की जो पहले कभी नहीं की थीं, जैसे जंक फूड से न्यूट्रिशियस फूड पर आ गई, जो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अपने शरीर से जहर निकालने के साथ साथ अपने दिमाग से भी जहर निकाल रही थी मैं, और मैं नियम अनुसार ऐसे कई काम करने लगी। और मैं खुद से कहती थी कि तुम्हें एक मौका मिला है उस चीज़ को करने का जो तुम पढ़ा रही हो। तुम लोगों को कहती हो वो किसी भी मर्ज से उबर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और अब तुम्हारी बारी है। मुझे याद है जब थेरेपिस्ट के साथ मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, अपना गुस्सा निकालती थी, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी काम जो उस वक्त मैंने किया वो था माफ़ करना। और मैंने अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता लगाना शुरू किया, और जब मुझे उनकी कहानी के बारे में पता चला तो मैं समझ सकती थी कि वो लोग भी किन हालातों से आए हैं। उनकी भी कुछ कुछ कहानियाँ थीं, मजबूरियाँ थीं दोनों की ही, और वो कैसे फिर एक बच्चे के साथ व्यवहार करना जान पाते जब उन्हें सही माहौल नहीं मिला। तो जैसे ही मैंने ये माफ़ करने की प्रक्रिया शुरू की, और इलाज भी चल रहा था, सही खाना खाना और भी बहुत कुछ, तो 6 महीने के अंदर मुझे डॉक्टर से भी सहमति मिल गई जो मुझे पहले से पता थी मेरे दिल के अंदर कि मुझे अब कैंसर नहीं है। और जब ये हुआ तो मैं जानती थी कि कुछ भी ठीक हो सकता है, मैं जानती थी, क्योंकि ये मैंने खुद के साथ किया। बाकी सभी चीज़ों ने भी मदद की मैं मानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैंने जो सकारात्मक सोच रखी उसने मेरे अंदर एक अटूट विश्वास जगा दिया। और जब आपको अटूट विश्वास होता है आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे शरीर में भी एक बीमारी थी जिसका इलाज हो रहा था। मेरे डॉक्टर ने कहा आपके पेट में ट्यूमर बढ़ रहा है जो कैंसर का रूप ले सकता है, और मैंने माना, अपने मेडिकल सिस्टम पर भरोसा किया क्योंकि यही हमारी परंपरा है, यही हमें सिखाया गया है। लेकिन एक हिस्सा मेरे अंदर था जो कह रहा था कि नहीं, मुझे अपने तरीके से जाना चाहिए और मैं डॉक्टर की सलाह सिर्फ खुद पर नजर रखने के लिए लूंगा। तो ये मेरे लिए एक मौका था वो सब अनुभव करने का जो आज तक मैंने सीखा था, और बजाय इस बारे में सोचने के कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, ना कि ये सोचने में कि मैं उसमें कुछ बदलाव लाऊं। हालांकि अपने परिवार और दोस्तों के कहने पर मैंने डॉक्टर से भी इलाज करना स्वीकार कर लिया। मुझे याद है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ, मेरे साथ उन्होंने कुछ किया, और जब मैं उठा तो याद है मुझे डॉक्टर्स ने क्या कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो ठीक हो। और मैंने जो अमल किया, वो अभ्यास, वो नियम मैंने जिंदगी में आधी दुनिया घूमकर सीखे थे, और जो मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किए वो उन पलों में वाकई असरदार थे। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं जिनमें साफ दिखता है कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं था, और उन्होंने मुझे बेहोश किया था और उन्होंने मेरे शरीर की छानबीन की। इसी वजह से ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, किसी को भी देख कर, चाहे वो साइंटिस्ट हो
या कोई भी ऑडियंस मेंबर, मैं उनकी आंखों में देखकर पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ये सच है, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है कि एक शक्ति है आपके खुद के शरीर के अंदर। बुजुर्गों की माने तो ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। 20वीं सदी के शुरुआत में फिलोसोफर नेवल ने कहा था, इंसानी शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसका सामना पृथ्वी पर मौजूद कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। मैंने कैंसर पर बहुत बड़ी रिसर्च की थी। मैं जानना चाहती थी कि आज तक किसने कैंसर को मात दी है और उन सब में क्या बात समान थी। इसलिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और मैंने ये पाया कि एक खास बात जो सब में थी, भले ही उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट चुना हो, वो ठीक हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने सोचने का ढंग बदल दिया था। मैं जानती थी कि अपने शरीर को किसी डॉक्टर के चाकू से खुलवाने से ही पूरी तरह ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मैं आध्यात्मिकता के लिए भी खुल गई। आपका शरीर आपका दुश्मन ही है। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई किसी वजह से बीमार पड़ता है तो अपने शरीर को कोस कर कहता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बजाय इसके कि मैं इस दौर से क्यों गुजर रहा हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी सोच को बदल कर अपने शरीर से प्यार करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कैंसर हुआ, क्योंकि मुझे नींद से जगाने के लिए ये जरूरी था। हाँ, क्योंकि शायद मैं एक ऐसी इंसान थी जिसे एक जोर का झटका चाहिए था। मैं रिमिशन पर हूँ और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। ऐसा मैंने अपने बारे में कभी महसूस नहीं किया था। मैं अभी भी अपने आप से बोलती हूँ, वो सब बातें जो उन्होंने कैंसर के बारे में लिखी हैं वो इस प्रकार हैं। मेरे अतीत में जो कुछ भी हुआ मैंने सबको माफ कर दिया। मैंने खुद के लिए खुशी चुनी है और मैं खुद को स्वीकारती हूँ और प्यार करती हूँ। ये जिंदगी बदल देता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं सिर्फ अपनी बीमारी ठीक होने के लिए खुश नहीं हूँ, बल्कि अंत में मैं खुद को पहले से ज्यादा बेहतर पाती हूँ। एक बहुत ही मजेदार बात होती है जब कोई अचानक बहुत सी सोचें सकारात्मक बना देता है, अपने सोचने का तरीका ही बदल देता है। वो अपने शरीर में एक संतुलन पाते हैं। हम जानते हैं जब कोई अपने दिल से सोचता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक पपी एक लड़की की गोद में सो रहा हो, आपका DHEA लेवल बढ़ जाता है, जिसका मतलब आपके हार्मोन संतुलित हो रहे हैं। पर एक और चीज वो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी होती है, और वो है दिल की धड़कन। वो भी सामान्य स्थिति पर आ जाती है, जिसकी वजह से आपको वो वेव पैटर्न दिखता है जो हार्ट रेट मॉनिटर में देख सकते हैं, जो असल में पूरे शरीर को संतुलित करना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि दिल अपने आप में बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो बाकी शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है। ये सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है। हाँ, सोच जरूरी है। पुराने जमाने से ही सोच, एहसास और भावनाओं को अलग अलग रखा गया है, और जो एहसास हमारे दिल के बीचों बीच होता है वहीं से असर शुरू होता है, और वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स दिल का मैग्नेटिक फील्ड बदल देते हैं, और वो बदलाव सीधे तौर पर उन्हें बदलता है जिससे हम बने हैं, तकरीबन हमारे पूरे शरीर में। अब देखिए साइंस क्या कहता है, अगर आप एक फील्ड चेंज करते हैं तो जो एटम अंदर मौजूद होते हैं वो बदलते हैं। हम उन्हीं एटम्स से बने हैं, तो हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर एहसास है, एक अच्छा एहसास जो उन सब चीजों से जुड़ा है जिससे हम बने हैं। इसलिए हम साफ तौर पर अपने शारीरिक दुखों से निजात पाते हैं, जिसे हम एक चमत्कार का नाम देते हैं। तो ये एक सोच, आप यूं कहें आत्मिक आराम की स्थिति, आपको खुशनुमा बना देती है। अगर आप इसके परिणाम देखेंगे तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स में कमी, ब्लड शुगर का सामान्य होना, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाना, और हर नाजुक मांसपेशियों में आराम, जिसे आप कह सकते हैं एक संतुलन है पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पथेटिक एक ब्रेक की तरह है और सिंपथेटिक गैस की, और इस समाज में कई लोगों के अंदर गैस ज्यादा होती है और साथ में सांसें भी कुछ इस तरह चलती हैं। अगर वो दोनों संतुलित होंगी तो आप लंबे समय तक ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये खूबसूरत यिंग यांग संतुलन बन जाता है। संगीत में माना जाता है कि शरीर में 7 ऊर्जा स्रोत होते हैं, 7 चक्र सिस्टम होते हैं जिससे वो काम करते हैं। वो कहते हैं ऊपर के 3 चक्र को मानते हैं सच, तर्क या प्रक्रिया। इसलिए जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसके दिमाग में तस्वीर बनाते हैं, जैसे एक परफेक्ट रिलेशनशिप का या 2 देशों के बीच शांति। हम इनको अपनी जिंदगी में तभी ढाल सकते हैं जब हम सांस फूंकें। भावनाओं की शक्ति की, उन विचारों में भावनाएं आती हैं नीचे के 3 बिंदुओं से जो सृजनात्मक केंद्र होते हैं हमारे शरीर के। जब हम भावनाओं की ताकत की सांस लेते हैं तो ठीक उसी वक्त उस विचार को देखते हैं जीवंत, और वो दोनों ऊर्जा मिलती है एक बिंदु पर, और वो कहीं और नहीं ठीक हमारे दिल के पास होता है। आप इन किताबों को चाहे पीछे से देखें,
वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप उन्हें खोलें तो आप पाएंगे कि उन्होंने कई टिप्स दी हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, या आप कह लें सेल्फिशनेस आर्ट आर्टिस्टिक पर्सनालिटी के, जिससे आज हर इंसान जूझ रहा है, उनके लिए लिखा है कि मैं जैसा भी हूँ अपने आप से प्यार करता हूँ। जब मैं PhD कर रही थी, जब मैं साइकाइट्रिस्ट बन चुकी थी, मैं साइकाइट्रिस्ट की प्रैक्टिस कर रही थी इंट्यूशन के क्षेत्र में, मैंने बायोकेमिस्ट्री सीखी कि कैसे कोई अपनी सोच का जाल दोबारा बुनता है। जो पहले सोचता था मुझे तो बीमारियां होती रहती हैं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लुईस एल हे की, जो उन्होंने मेरे साथ किया। उन्होंने मुझे नींद से जगाया और वाकई में उन्होंने जो किया उससे मेरी जिंदगी में एक नया जोश और एक क्रांति आ गई। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं एक बोरिंग टीचर हूँ, पर मैं बहुत से लोगों को इकट्ठा किए जा रही थी, उनके साथ वर्कशॉप्स कर रही थी, क्लासेस कर रही थी, और फिर आई मेरी दूसरी किताब, उसकी शुरुआत थोड़ी धीमी हुई, और तभी एड्स नाम की बीमारी उपजी, और तभी किसी वजह से मुझे लगा कि तुम भी इसमें शामिल होगी। मैं एड्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कोई भी उस वक्त उसके बारे में नहीं जानता था, पर मुझे याद है एक दिन किसी ने मुझे कॉल किया और कहा, क्या आप एक ग्रुप एड्स के पेशेंट के साथ शुरू कर सकती हैं? तो मैंने कहा, वेल पता नहीं, मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ पता नहीं, चलिए मिलते हैं। हम मिले एक रात मेरे लिविंग रूम में, जहाँ 6 लोग थे, हम बैठे और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी इस बीमारी के बारे में नहीं जानता, पर हम वो करेंगे जो मैं हमेशा करती आई हूँ, हम काम करेंगे गुस्से को ख़त्म करने में, काम करेंगे माफ़ करने में, काम करेंगे खुद को प्यार करने में, और हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये कितनी भयानक बीमारी है, हम यहाँ बैठ कर इस बीमारी की बर्बरता पर बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। मैंने कहा, हम यहाँ एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, और किसी को भी अगर इस बीमारी के बारे में कोई अच्छी बात मालूम पड़ती है तो आके हमसे शेयर करेगा। फिर मैंने उनसे आइडियाज बताए अपने, फिर हमने मिलकर एक गाना गाया और अंत में मेडिटेशन किया और अपने अपने घर चले गए। और अगले दिन उनमें से एक शख्स का फोन आया, उसने कहा कि लुईस पिछले 3 हफ्तों में मैं कल पहली बार सोया। उसके अगले हफ्ते हमारे यहाँ लोगों की संख्या थी 25। इस तरह आदमी बढ़ते गए, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये उन लोगों के लिए सुरक्षित जगह थी जो भयंकर रूप से मानसिक तौर पर टूट गए थे, क्योंकि यहाँ पर कोई उन्हें नहीं कहता था तुम खराब हो, ना ही ये कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक बनाया जा रहा था। 6 महीनों के अंदर मेरे लिविंग रूम में कुल मिलाकर 90 लोग थे, जो दरवाजों और खिड़कियों में से झांक रहे थे, क्योंकि वहाँ जगह ही इतनी थी। फिर हमें एक जिम्नेजियम मिला वेस्ट हॉलीवुड में, और अगले ही हफ्ते वहाँ 150 लोग पहुँचे। फिर कुछ समय बाद वो जगह भी हमें छोटी पड़ने लगी। आखिरकार हॉलीवुड शहर ने हमें एक मीटिंग हॉल दे दिया, जहाँ हम 850 लोग हर हफ्ते मिलते थे। लोग एक दूसरे को कॉल करते और पूछते, क्या तुम हेराइड पर जा रहे हो? मतलब हम हेराइड के नाम से मशहूर हो गए थे। मैं इस हेराइड पर एक टेप बनाना चाहती थी, बिल्कुल एक मूवी की तरह, ताकि ये दूसरे ग्रुप तक पहुंच सके और उन्हें भी ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। जो लोग नए हैं और ये गाना जिन्हें नहीं आता है, वो अगली बार तक सीख ही जाएंगे। मुझे पता चला कि उस एक वीडियो को बनाने में $40,000 का खर्चा आएगा उस वक्त। तो मैंने कहा कि ओह माय गॉड, मेरे पास तो इतने नहीं हैं, पर मुझे यकीन था कि हम ये वीडियो ज़रूर बनाएंगे और ये एक अच्छा वीडियो होगा जो बाहर जाएगा और सभी ग्रुप्स के पास पहुंचेगा। यही मेरी सकारात्मक सोच थी जो मैं कहती रहती थी। फिर एक इंसान मेरे पास आए, वो खुद एक डायरेक्टर थे, वो इसे डायरेक्ट करना चाहते थे। मैंने कहा, वाह मज़ा आ जाएगा। ये सब बातें होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपना फाउंडेशन नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा, मेरा कोई फाउंडेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अपना अकाउंट बना देता हूँ। और उसी के नतीजतन मैंने फाउंडेशन बनाई, जो आज भी मौजूद है, और उसे मैं कहती हूँ, दूसरों के लिए करो। जो भी पैसा उस फाउंडेशन में आता है, वो पूरी तरह दूसरों के लिए लग जाता है, पूरी तरह। पर आखिरकार हमने वो खूबसूरत वीडियो बनाया जिसका नाम था डो ओपनिंग, जो उस ग्रुप के बारे में था जो उस वक्त हमारे साथ था। आज पहली बार मैं आपके ग्रुप में आया हूँ। स्वागत है तुम्हारा। करीब 6 हफ्ते पहले मुझे पता चला कि मुझे मेलानिन ट्यूमर की शिकायत है और मेरे फेफड़े खराब हो चुके हैं। करीब 4 हफ्ते पहले पता चला वो पूरी बॉडी में फैल चुका है,
और 2 दिन पहले ये पता चला कि मुझे एड्स है। मुझे वो सब बातें सुननी हैं जो आप सब लोग यहाँ कहते हैं। यहाँ मौजूद बहुत से लोग मेरे दोस्त भी हैं। मैं वाकई बहुत सहम गया था और पता नहीं था कि मैं इसे बाहर कैसे निकालूं। मुझ में सभी लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे, मेरे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। बोन मैरो और बायोप्सी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव बता रही थी और मैं सोच रहा था मैं मौत के मुंह में क्यों जा रहा हूँ। आज मुझे ये जानना है, ये पता लगाना है कि मैं जी क्यों रहा हूँ, ना कि मैं मर क्यों रहा हूँ। जो बात तुम कर रहे हो वो इन हालातों में सभी करते हैं, तुम अकेले नहीं हो। और जानते हो, अगर तुम वाकई कुछ हासिल करना चाहते हो, मैं जानती हूँ यहाँ सभी कुछ हासिल करने आए हैं, तो अपने आप को बस इस आईने में देखना शुरू करो। यहाँ देखो बच्ची, यहाँ यही वो शख्स है जो तुम्हारा भला कर सकता है। हाँ, समझा। इसे कुछ कहना चाहोगे तुम? एक चीज जो मुझे करने में सबसे ज्यादा खुशी होगी, अगर मैं देख सकूं तो, कि हर एक के पास खाना हो, वो कोई भूखा ना हो, कपड़े हों, घर हो, उसे प्यार मिले, उसके सारे काम पूरे हों, उसकी तमन्नाएं पूरी हों। ऐसा हो तो फिर क्या बात है, पर ये पूरी दुनिया के लिए करना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी एक बार में एक शख्स के लिए तो मैं ये कर ही सकती हूँ। जब आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो आप खुद ब खुद अपने आसपास के लोगों को भी बदल रहे होते हैं, और जिसकी वजह है आपका अपना खुद का व्यक्तित्व। मैं किसी को ठीक नहीं करती, ये मैं वाकई नहीं करती। मैं तो बस एक जगह दिलाती हूँ जहाँ हम खुद को जानते हैं कि हम कौन हैं और कितने खूबसूरत हैं। और कई लोगों को ये लगता है कि वो इससे ठीक हो रहे हैं, और ये वाकई हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बाहर गई थी एक शो के लिए, और एक इन हाउस शो भी था, और दोनों एक ही हफ्ते में थे। और उस हफ्ते हे हाउस बहुत बिजी था, 24 घंटे फोन बजते रहते। और मैंने उसी वक्त अपनी एक किताब भी खत्म की थी जिसका नाम था यू कैन हील योर लाइफ, वही जो आगे चलकर बेस्ट सेलर साबित हुई पूरे 14 हफ्तों तक। और उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा, जिंदगी में मानो एक धमाका हो गया था, और बाकी सब तो इतिहास बन गया। लुईस पथ प्रदर्शक हैं, वो एक मार्गदर्शक हैं, वो नेता हैं अपने विचारों की, जिसमें उन्होंने बताया आपकी चेतना ही सत्य को बनाती है, चेतना ही सत्य है, चेतना कोई भी आपकी हवा की बातें नहीं है, चेतना ही आपका मूल है सभी फिजिक्स के लॉज का। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के लोगों को दुआ देकर आप खुद की सफलता पाते हैं। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि आप जब खुद को प्यार करते हैं आप दूसरों को भी करते हैं। और एक बात इसको सार्थक सिद्ध करती है कि हमारे बाहर हर चीज़ जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। हमारी भावनाओं के कण सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही नहीं घूमते रहते हैं, उनकी तरंगे हम सबको आपस में जोड़ती हैं। मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, खुद को और दूसरों को माफ करने से मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ सकती हूं। माफी तकरीबन हर मुश्किल का हल है। माफी एक उपहार है जो मैंने दिया है। माफ करके मैंने अपने आप को आजाद किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मैंने अपने पिता को माफ कर दिया, जो मेरी पूरी फैमिली को छोड़कर चले गए थे, एक औरत और 3 बच्चे जो कि 4 साल से भी छोटे थे। जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो उनके लिए दुआ मांगता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस दुनिया में लाने के लिए, और मुझे ये सबसे जरूरी सबक सिखाने के लिए जो मुझे सीखना ही था कि माफ कैसे किया जाता है। मार्क ट्वेन ने बहुत खूब कहा है, माफी वो खुशबू है जो एक फूल उन्हीं हाथों में छोड़ जाता है जिन्होंने उसे तोड़ा होता है।
और मैं ये कभी नहीं भूलता। मैं इस चैतन्य माफी को बड़ी कमाल की चीज कहूंगा, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति पूरी चेतना से किसी को माफ करने की सोचता है, अपनी उन सभी भावनाओं का खुद को जिम्मेदार मानकर। वो जब आखिरकार मेरे सामने आती है तो मुझे बुरा लगता है अंदर से। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, वही आपको चैतन्य माफी करने की शक्ति देती है। जब एक इंसान अपने अंदर हो रही उथल पुथल की जिम्मेदारी खुद ले ले, वही वो चिन्ह जो दिखाते हैं कि वो अपनी उस अंतरंग स्वयं से जुड़ा है, वो शक्ति से जुड़ा है जिसने उसे बनाया है। अगर आप थोड़ा कम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप पता लगाइए कि वो कौन है, क्या है, और एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखिए या उस स्थिति को लिखिए और कहिए वो क्या है जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और अपने बहाने ढूंढ रहा हूँ अपने आप को वो ना बने रहने देने की जो असल में मैं हूँ। जब आप ऐसा कहते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो जिससे मुझे दुख पहुँच रहा है, तो वो पूरी शक्ति लगा देते हैं, क्योंकि फिर उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको पूरी तरह से खुशी देगा। यही नियमबद्ध तरीका है आपके जीने का, और यही तरीका है आपके खुशी का, और फिर खुश रहना बहुत आसान है। एक सही रास्ते पर आना आसान हो जाएगा, बस देर है तो अपने एहसासों का ख्याल रखने की और हमेशा अच्छा महसूस करने की। जब भी आपका झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी संबंध में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, तो वो शख्स जो ऊपर वाले पर यकीन रखता होगा वो ही माफ कर सकता है। अब यही उसकी काबिलियत है। वो उस आदमी के पास जाएगा जिसे उसका झगड़ा हुआ है और झगड़े को प्यार से खत्म कर देगा। जो शख्स अपने जीवन में सबसे सामंजस्य बनाकर रखता है वही ऐसा कहेगा कि मैं प्यार से सभी झगड़े मिटा दूंगा, मैं माफ करूंगी और खुद को आजाद करूंगी, मैं माफ करूंगी और खुद को आजाद करूंगी, हाँ मैं माफ करूंगी, मैं माफ करूंगी, मैं खुद को आजाद करूंगी। शुरुआती दिनों में जब मैं लोगों के साथ काम करती थी तो मैं उनकी ये परेशानी दूर करती, वो दूर करती, तुम ये करोगे तो ये फ़ायदा होगा, वो करोगे तो वो होगा, हम उस पर काम करेंगे, ऐसी बातें। पर एक दिन मैंने ये खोजा जिससे मैं भी दंग रह गई कि अगर मैं उन लोगों की मदद करूं उन्हें खुद से प्यार करने के लिए, खुद को जैसे हैं वैसा अपनाने के लिए, तो हमें उनकी परेशानियों पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये अपने आप में एक जादू जैसा होगा, क्योंकि हर चीज़ खुद ब खुद हो जाएगी जो पहले कभी हो ही नहीं सकती थी। जैसे ही मुझे वो किताब मिली मैंने वो पढ़नी शुरू कर दी, और उनका पूरा जोर इस बात पर नहीं था कि परेशानी से कैसे निपटें, बल्कि खुद से कैसे निपटें, कैसे अपने आप को अपने आप से प्यार करें। मैंने वो सभी एक्सरसाइज की जो उन्होंने लिखी थी, वो सभी सकारात्मक सोच अपनाई, और मैंने महसूस किया कि पिछले 43 सालों में मैंने अपने आप को प्यार करना नहीं सीखा था, वो किया। मैं अक्सर कई लोगों को एक बात पूछती हूँ, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है, तुमने ऐसा क्या किया है जो इतना खतरनाक है कि तुम उसे खुद कबूल नहीं सकते, और मुझे कभी कभी कोई जवाब नहीं मिलता कि मैं संतुष्ट हो पाऊँ। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत मोटा हूँ, तो मैं कहती तो क्या हुआ। मैं बहुत आत्मसंकोची प्रवृत्ति की थी, कुछ वैसी ही जैसी अक्सर औरतें होती हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारी सुंदरता के बारे में क्या कहें, मायने रखता है जब हम आईने में देखते हैं हम कैसे लगते हैं। आईने में अपने आप को देखकर मैं अपनी कमी देख सकती थी, कई ऐसी चीजें थी मुझ में जो मैं बदलना चाहती थी। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और अगर अपना नाम लें तो और मदद मिलेगी, जैसे लुईस मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई,
3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं, आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं, और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज़ आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। सबसे जल्दी सफर खुद से प्यार करने का है। ऐसी चीजें कीजिए जिसकी आप तारीफ कर सके हर जगह जहां भी आप देखें। अगर आप किसी चीज की तारीफ ना कर सके, मसलन इस फूल का, तो उस पल आप खुद से प्यार करने वाले तरंगिक धागों को भी काट देते हैं। अगर आप एक बच्चे के चेहरे पर कुछ तारीफ करने लायक पाते हैं या अपने दोस्त की खूबसूरती पर, और जैसे ही आप तारीफ की चीजें पाएंगे तो उस तारीफ की तरंगे और प्यार की तरंगे मिलकर एक तरंग बन जाएगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ। और खुद को अपनाती हूँ। मेरे दिल की गहराइयों में एक अनंत प्यार की लहर, प्यार से मेरा रूम रूम भरा है और मुझ में हर दिशा से छलक रहा है, जो मुझ में दुगना होकर लौटता है। मैं हर दिन ज्यादा प्यार देती और पाती हूँ, और ये हमेशा चलता रहेगा। मैं खुद से प्यार करती हूँ तभी अपने शरीर का ध्यान रख पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ तभी तो अपने आप को एक आरामदायक घर दिला पाऊंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ तभी तो मैं नौकरी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं खुद से प्यार करती हूँ तभी तो मेरी सोच और मेरा नजरिया दूसरों के लिए भी वैसा ही है। मैं खुद से प्यार करती हूँ तभी तो मैंने माफ कर दिया और अपने अतीत को जाने दिया। मैं खुद से प्यार करती हूँ तभी तो मैं आज में जीती हूँ, हर पल की खूबसूरती का एहसास कर रही हूँ, ये जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल है, खुशनुमा है, सुरक्षित है। मैं इस ब्रह्मांड की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी देखभाल करता है हमेशा हमेशा के लिए। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार। बदलाव के रास्ते पर ताउम्र चलना होता है। जैसे जैसे आप उस रास्ते में दूर निकलते जाते हैं, आप एक के बाद एक चमत्कार देखना शुरू कर देते हैं। खुद को वैसा बरकरार रखना और उन चमत्कारों को अपनाना आपकी तरक्की का एक खास पड़ाव है। कोई भी माली कभी भी अपने बागीचे में जाकर पौधों से ऐसा नहीं कहता कि पहले मुझे फल सब्जी दो तभी पानी डालूंगा, तो ऐसे से काम नहीं बनता है। सही तरीका है बीज या पौधा लगाना, उसमें पानी डालना, और फिर वो आपको फल देता है। तो अगर आपके अंदर ये एहसास होता है कि मैं सही हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं स्वीकार्य हूँ, मैं जिंदगी से प्यार करता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ, और अपने लिए और अपनी जिंदगी को धन्यवाद देते हैं, तब जिंदगी भी आपको अलग तरह से लेती है, क्योंकि आप अपने आप से एक अलग तरंग फेंकते हैं और वही आप वापस पाते हैं, और तभी उसके बाद से चीजें काम करना शुरू करती हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी चीज का एक दायरा होता है, आप ज्यादा से ज्यादा किस हद तक जा सकते हैं। पर मुझे पूरा श्रेय देना होगा लुईस हे को, जिन्होंने मेरी आंखें खोली और असली दुनिया दिखाई। उन्होंने सब अपने बलबूते पर किया। एक महिला प्रकाशक जिन्होंने पूरी दुनिया में करोड़ों जिंदगियां बदल दी हैं। समंदर के किनारे का घर, एक खूबसूरत सा बागीचा, एक सुंदर सा पौधा, मेरे लिए ये सब भौतिक रूप हैं इस दुनिया में रहने के। पर उन्होंने अपने विचारों के जरिए ये सब किया। कोई भी किसी को प्रेरणा नहीं दे सकता, अगर वो खुद बीमार हो, टूटा हो या उदास हो। अगर आपको दूसरों की मदद करनी है तो पहले आपको अपने व्यक्तित्व में निखार लाना होगा। ये कुदरत कृतज्ञ लोगों से प्यार करती है। आप जितने कृतज्ञ होंगे, आपको आप पर उतने ही कृतज्ञ होने वाले लोग मिलेंगे।
बस इतनी सी बात है, जिंदगी बहुत आसान है, हम इसे मुश्किल बना देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने विकास के दौरान एक ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं जहां हम उम्मीद करते हैं, चाहते हैं और यकीन करते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल एक सांता क्लॉज जैसी है। अब हमें बस उस चीज को पाने के लिए कदम उठाना है, पर साथ ही चेतना में प्रतिबद्धता और अपने कर्मों के प्रति समर्पण भी बहुत जरूरी होता है। ये सब उन चीजों को अंजाम देता है जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जब मैं अपना साथी चुनने में कंफ्यूज्ड थी तो मुझे कंफ्यूज्ड रिजल्ट्स मिल रहे थे। मैं सोचती थी कि ये पोएट्री अच्छी लिखता है, इसकी जॉब अच्छी है, तो इनको जोड़कर मुझे साथी मिलेगा। पर जब मेरी आंखें खुली तो सब साफ नजर आने लगा। जहां तक मैं जानता हूं, मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी का भी सफल शादीशुदा जीवन नहीं रहा, तो मुझे लगा कि ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा में मौलिक बदलाव होगा। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा दाम्पत्य जीवन बना रहे, वो एक सोच के परे वाली चीज होगी। करने को और इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके। और मैंने अपने ही दिमाग में एक खाका तैयार किया कि मुझे संबंधों में क्या क्या चाहिए, और वो है सच्चाई। एक ऐसा संबंध जहां हम दोनों अपनी इच्छाओं को जिएं अपने वजूद के साथ, और दोनों एक दूसरे की जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लें, ताकि हम दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। ये सोचने के एक महीने के अंदर ही किटी मेरी जिंदगी में आई, और देखते ही देखते उसके साथ 27 साल बीत गए। मैं अक्सर ये सोचती थी कि अब मैं अपने साथी से मिलना चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करूँ, जिससे मैं वो संबंध बनाऊँ जिसके लिए मेरा महत्व हो। अब अगला सवाल मेरे मन में ये उठता था कि मैं कैसे खुद को विकसित करूँ, उसके सामने ले जाऊँ, ताकि मैं अपने उस साथी को अपने तरफ खींच सकूँ। मेरे सभी संबंध एक जैसे ही हैं। मैं जो कुछ कर रही हूं उससे पूरी तरह सहमत हूं। हर तजुर्बा एक कामयाबी ला रहा है। मुझे सब अच्छा मिलेगा, मैं जान गई हूं। जो मेरा मन कहता है मैं उसे प्यार से सुनती हूं। मैं तंदुरुस्त हूं, अपने आप में पूर्ण हूं। मैं अपनी जिंदगी की सारी अच्छाइयों के लिए कुदरत की कृतज्ञ हूं। हर दिन एक नया तोहफा लेकर खड़ा है। हर वो चीज जो कोई चाहता है, चाहे वो कोई सामान हो, कोई स्थिति हो, कोई संबंध हो, पैसों का ढेर हो, कोई भी हालात हो या जश्न या त्योहार हो, हर एक चीज बिना कुछ छोड़े जो आपने कभी भी चाही हो या चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है उनके होने से आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप अपना मूल मंत्र इसी को रखें तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने आप ही अपने सफर के मुश्किलों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर पाएंगे। मेरे लिए तो ये इस तरह काम करता है। जब भी अटक जाती हूँ या कुछ समझ नहीं आता, मैं अपने अंदर एक रोड मैप पाती हूँ जो मुझे अंदर की शक्ति के रूप में मिलता है, जो बार बार मुझे वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी ऐसे शख्स से शादी हुई जो मुझ पर मेरी ही बुराई कर अधिकार जमाना चाहता था, और मैंने उस पर भरोसा किया और अपना आत्मसम्मान पूरा खो चुकी थी मैं। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं अपने दोनों बच्चों की देखभाल के सिवा और भी कुछ कर सकती हूं, क्योंकि वही मुझे सबसे जरूरी काम लगा था। पर कुछ बात तो थी जो मैं हमेशा अपने जीवन का उद्देश्य पूछती थी। मुझे ऐसा आभास होता था कि जाओ जाकर भाषण दो, पर मैं नहीं जानती थी कि कैसे करना है, क्योंकि मैं एक ऐसी महिला थी जिसमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो लोगों को कैसे पढ़ा सकती थी। जो मैंने बाद में सीखा कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कैसे अपने आभासों और सपनों को हकीकत में बदला जाए, हमें तो बस उन निर्देशों को समझना है जो हमें एक के बाद एक मिलते रहते हैं। यह हमारे लिए बहुत आसान होता है, या तो बहुत खुश हो जाना या बहुत डर जाना अपने आखिरी परिणाम के बारे में सोचकर। मान लीजिए कि मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, मैं ये कैसे लिख पाऊंगी? आपको ए टू जेड के बीच की चीजें हैं वो सिखाती हैं। आप जेड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप नहीं सीखेंगे। अपने आप पर ही शक करने की आदत से छुटकारा को ही ले लीजिए।
और इसलिए आप वो कदम उठाते हैं क्योंकि हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा संकोच हो कि बुक स्टोर में जाके बुक खरीदूं या मैं खुद किताब लिखने लग जाऊं। सिर्फ मांगना ही काफी नहीं और सिर्फ सकारात्मक सोच रखना ही पूरा नहीं, आपको परिणाम के तौर पर जो निर्देश मिले हैं उन्हें आगे बढ़ाना होगा। कई बार लोग मुझसे कहते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि आपको हमेशा छोटे छोटे कदम मिलते हैं एक बार में एक, वो अक्सर हमसे छूट जाया करते हैं। जब आपसे कहा जाता है किताब पढ़िए, क्लासेस लीजिए, किसी को फोन कीजिए, लेटर लिखिए, पर अगर हम स्टेप ए करेंगे तो हमें नए निर्देश मिलेंगे, स्टेप बी फिर हमें नए निर्देश मिलेंगे और फिर स्टेप सी, ऐसे एक एक कदम करके हमें हमारे रास्ते पर चलना है। जैसे आपकी आकांक्षाएं बढ़ती है और आप भी उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं तो यह आसान हो जाता है, और जैसे आप उल्टी दिशा की ओर जाते हैं तो खिंचाव और भी बढ़ जाता है ज्यादातर समय। मैंने ये अपने बेडरूम में शुरू किया जब मैं सैन मोनिका में थी, अपनी 90 साल की माँ के साथ, जो तकरीबन न सुन सकती थी न देख सकती थी, जो मेरे साथ ही रह रही थी। वो किताबों को डाक द्वारा भेजने में और ऐसे ही छोटे मोटे कामों में मेरी मदद करती थी। हम काफ़ी छोटे पैमाने पर काम कर रहे थे, हम उससे ज़्यादा कर भी क्या सकते थे। अब 35 भाषाओं में हैं हम, 30 अलग अलग देशों में। ये मेरे लिए दिलचस्प बात रही है। जब से मैंने अपना कदम इस आध्यात्मिक रास्ते पर रखा, मैंने जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया। उल्टा जिंदगी मुझे चलाती है कि ठीक है तुम ये करोगी, यहाँ जाना है, ये होगा, फिर ये होने वाला है। मतलब मैं अब वो करती हूँ जो सामने होता है। मैं लोगों के फोन के जवाब देती हूँ, चिट्ठियाँ पढ़ती हूँ, मतलब वो सब कुछ करती हूँ जो सामने आता है। धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा सपना था दूसरों की मदद करूँ, तो मैं कैसे मदद करूं? यही मेरी जिंदगी है, वाकई यही मेरी जिंदगी है। मेरे हिसाब से उस पल में आप उन चीजों को जाने देते हैं जिसे हम मानते हैं कि हमारे लिए जीवन में ये जरा भी मददगार नहीं है, या फिर वो एक बाधा है हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें होने के लिए, और उन्हें एक के बाद एक करके छोड़ देते हैं कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है। और क्या मुझे लग रहा है कि भरोसा करना है? दोनों में से सही चुनाव करना चाहिए। ये ऐसा लगता है जैसे खुद को सौंपने में लगता है और आपको अपने परिणाम से इतना लगाव हो जाता है कि आप रोक ही नहीं पाते, और आप महसूस करते हैं गहरे एहसास का कि अगर कोई भी मुश्किल आ जाए, कैसी भी मुश्किल आ जाए, मेरे पास वो सब कुछ है कि मैं स्थिति को संभाल लूंगी। एहसास होता है आप सबसे जुड़े हैं, ऐसी शक्ति का संचार होता है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम कई बहुत सारे अलग नाम दे सकते हैं, पर सच तो ये है कि हम अपनी जिंदगी में उसे कई बेहतर तरीके से जीते हैं जैसा पहले जी रहे थे। और मुझे लगता है कि वहीं से आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं जब आप समझते हैं और शक्ति को अपनी जिंदगी में कबूलते हैं। आप अपने लक्ष्य को भ्रमित नहीं कर सकते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता, और इस ब्रह्मांड में हर चीज आपके लिए एक रास्ता ही दिखाती आ रही। मुझे बहुत सारी खुशी मिली, मेरी जिंदगी अब तक शानदार रही, पर मुझे कुछ परेशानियां भी हुई। मुझे थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम है, मैं कभी भी कहीं भी सो जाती हूँ, पर मुझे फिर भी कई मौके मिले जब वो किताब आपके हाथ लगेगी आप कह सकते हैं कि आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। मैं अपने अंदर की आवाज़ सुनती हूँ, दिल की आवाज़। हाँ, ये एक एहसास है, मेरा सहज ज्ञान, आपका सहज ज्ञान, जो या तो आपको सही लगेगा या नहीं लगेगा। मैं अपने दिल की आवाज़ सुनती हूँ। Excuse me. ये बीच का रास्ता किधर से है? आप यहाँ से पीछे मुड़िए और वैसे मैं भी वहीं नीचे जा रही थी, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्यों नहीं?
मैं क्या हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आप जो सोचते हैं और आप जो मानते हैं वही आपके लिए सच साबित होगा। आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है, बस इतनी सी बात है। और जब हम वो पा सकते हैं, हम जिंदगी में भारी बदलाव कर सकते हैं।